आगे बढ़ने से पहले नए व्यूवर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें। डॉक्टर अली शरीयती अपनी किताब में लिखते हैं फातिमा अस्त फातिमा, फातिमा फातिमा है, फातिमा का कोई सानी नहीं हो सकता। फातिमा को अगर ये कह दिया जाए कि ये जो है रसूल की बेटी है तो महफूज कर जो है इसको जो है इतने में महफूज कर दिया जाएगा। अगर ये कह दिया जाए कि फातिमा सिर्फ जो फातिमा जो है अली की जो है जौजा है तो इतने में महफूज रह जाएगी। अगर इतना कह दिया जाए कि फातिमा हसनैन की माँ है तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन फातिमा का जो रुतबा है वो कभी ऐसा नहीं हो सकता है, उसको कोई मुकम्मल नहीं कर सकता है। यही वजह है कि फातिमातुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो मासूमा है कि जिनको जिनकी फजीलत जिनके फजाइल सब कोई बयान नहीं कर सकता है। फातिमा की फजीलत बयान करने के लिए नस्लों की तहारत जरूरी है, अगर तहारत ना होगी तो फातिमा के फजाइल नहीं होंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। फातिमा फातिमा है तो अजीजाने गिरामी आप देखें कि फातिमा की जो अजमत और मंजिलत है वह हम किसी से तकाबुल नहीं कर सकते हैं। फातिमा सैयदत निसाइल आलमीन हैं। फातिमा जब आती थी तो रसूल खुद एहतराम के लिए खड़े हो जाते थे। फातिमा मलिकतुल अरब की बेटी हैं। फातिमा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी नहीं है कि फातिमा सैयदत निसाल आप देखें कि जहाँ शरीयत मर्दों की शरीयत के लिए तेरा मासूम आए वहीं औरतों की शरीयत के लिए सिर्फ मासूम है कौन है? फातिमातुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो अज़ीज़ाने गिरामी आप देखें कि जनाब फातिमातुज़्ज़हरा ने जो दुनिया के सामने पैगाम दिया है जो मैसेज दिया है वो हर एक के लिए था कयामत तक के लिए है। जनाब फातिमातुज़्ज़हरा ने कल कहा था कि जो है पर्दा लाजिम है ज़रूरी है और पर्दा करके भी बताया है। आज ये आप देखें कि 2019 और 20 में अब लोग जो है अपने चेहरों को छिपाए चल रहे हैं। कल के कह रहे थे कि जो है हमें उलझन होती है, अगर हम अपने चेहरे को बंद कर ले तो सांस फूलने लगती है, हमें उलझन होने लगती है। लेकिन आज जब 2019 और 20 आया डॉक्टर ने जब कहा तो लोग मास्क लगा के चलने लगे। फातिमा ने बतला दिया पर्दा सिर्फ औरतों के ऊपर नहीं है, पर्दा मर्दों के ऊपर भी है। पर्दा सिर्फ औरतों के ऊपर नहीं है, क्यों? आपको वो वाकया पता है कि जिस वक्त रसूल इस्लाम अपनी बेटी के घर पे गए उस वक्त जो है दक्कुल बाब किया, जनाब जहरा ने जो है दरवाज़ा खोलने से पहले जब पूछा है कहा मेरे साथ मेरा सहाबी है, कहा बाबा मैं पर्दा कर लूं, कहा नाबीना है। बेट मतलब जनाब जहरा कहती बाबा मैं तो देख सकती हूँ, यानी जनाब जहरा ने ये वाजे कर दिया कि देखो पर्दा सिर्फ और सिर्फ औरतों के ऊपर नहीं है, पर्दा मर्दों के ऊपर भी है। यानी वो तो देख मैं तो देख सकती हूँ वो नहीं देख सकता, तो हमें चाहिए उसी लिहाज से अमल करें जैसा पैगाम जनाब जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने दिया। हिजाब के लिए जो जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने दिया हमें वो भी आप देखें कि अहले बैत के घर की ख़वातीन के बारे में पर्दे के लिहाज के एतबार से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये तो मासूमा है। लेकिन गैर मासूमा जो है उन्होंने जो पर्दे का हमें इल्म दिया उस तरीके से आज हमारे यहाँ पर्दा कहाँ राइज है। आप देखें कि जिस वक्त करबला में से असीर करके ले जाया गया जा रहा था, जब शाम के दरबार में काफिला पहुँचा है एक मरतबा जनाब सकीना से पूछा कि तुम अपने हाथों को जो है चेहरे पे क्यों रखे हुए हो, एक मरतबा जनाबे सकीना कहती है कि मेरी फूफियों के बाल इतने बड़े हैं, मेरी माँ के बाल इतने बड़े हैं कि उन्होंने अपने जो है बालों से पर्दा कर रखा है, मेरे हाथ इतने छोटे हैं कि मैंने अपने हाथों से पर्दा कर रखा है।
आज हमारे यहाँ वो पर्दा कहाँ है जो पर्दा अहले बैत के घर से चला है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, आप देखें कि जनाब बस दो चार फ़िक्र मसाइब के और ख़त्म दुआ है। एक सवाल मेरा ये है कि जनाब फ़ातिमातुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी बाबा के वफ़ात के बाद जब रोती थी, एक फ़ातिमातुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पूरे मदीना के अली से कहते थे, जहरा से कह दे या रात में रोए या दिन के उजाले में रो लिया, इसलिए कि हमारे कामों में हमें आराम में खलल वाक़ होता है। आप अंदाज़ा लगाएं, एक फ़ातिमा अगर एक बीवी रोए कितनी दूर तक आवाज़ जाएगी, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर तक आवाज़ जाएगी। मदीना इतना बड़ा नहीं है, मदीनों का आप अंदाज़ा लगाएं किलोमीटर के अंदर है। तो आप देखें एक फ़ातिमा जब रोती थी तो ये पूरे मदीने के लोग आके कहते थे या दिन में रो या रात में, ऐसा क्यों है? इसलिए जहाँ तक मिलता है कि जनाब फ़ातिमातुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब अपने बाबा पे गिरिया करती थी तो सिर्फ फ़ातिमा नहीं रोती थी, फ़ातिमा के साथ इमाम हसनैन रोते थे। लहजे फ़ातिमा में, अपनी माँ के लहजे में गिरिया करते थे। जब फ़ातिमा रोती थी देख के जो है फिज़ा रोती थी, असमा रोती थी। जब फ़ातिमा रोती थी ना तो ये देख के दरो दीवार रोते थे। जब फ़ातिमा गिरिया करती थी तो जो है पूरा मदीना का ज़र्रा ज़र्रा लहजे फ़ातिमा में गिरिया करता था। यही वजह थी कि पूरा मदीना फ़ातिमा की गिरिया से जुटता था। जज़ाकुमुल्लाह दादारो, खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम कर जहरा, मजलूमा जहरा के अजर कमल जहरा पुरसा दे लीजिए। इमाम हुसैन की बारगाह में है, अबल फजील अब्बास की बारगाह में है, जिन्हें अपना बेटा जहरा ने कहा। बस आज़ादारनी जनाब जहरा, जब जिस वक्त रसूल खुदा दुनिया से गए हैं, अभी 3 दिन न गुजरा था कि मदीने के लोगों ने देखा अली के घर से धुआं उठ रहा है। जब आके देखा तो क्या देखा कि जो है दरवाज़ा चल रहा है। अदादारो, दरवाजे पे खड़ा मलऊन कह रहा था अबल हसन को बाहर निकालो, अली को बाहर निकालो वरना हम दरवाज़े को आग लगा देंगे। अदादारो, जिस वक्त दरवाज़ा जलाया गया है जहरा दरो दीवार के दरमियान थी। अदादारो, इधर दरवाज़ा है इधर जो है दीवार है, बीच में जहरा है। अदादारो, जलता हुआ दरवाज़ा जब धक्का दिया मलऊन ने, अरे जहरा के पहलू पे आके गिरा। जैसे ही दरवाज़ा गिरा एक मरतबा जहरा चीख उठी, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। जज़ाकुमुल्लाह दादारो, खुदा कोई गम ना दे सिवाय मजलूम जहरा के, रो लीजिए पुरसा दे लीजिए। हाँ दादारा ने इमाम मजलूम, जब मौलाए कायनात मस्जिद में है, इमाम हसन ये बीबी वो है कि जो हमेशा सुब्बत अलैया मसाइबुल्लवन्नहा सुब्बत अलैया में सिरना लया लया के मसाइब पड़ रही थी। बाबा आपके जाने के बाद मुझ पे वो मुसीबतें पड़ी, अगर दिन पे पड़ती तो मिसल तारीख हो जाती। कितनी मुसीबत पड़ी मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा, जिस वक्त जहरा दरबार गई थी, दरबार में 6 घंटे मुसलसल खड़ी रही। जब जहरा दरबार गई थी तो बाल सियाह थे, जब पलट के आई है तो बाल सफ़ेद हो गए। कितनी मुसीबत पड़ी इसका अंदाज़ा आप लगा लें। अदादारो, ये वो बीवी है कि जिस पे मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, जिसे रोने न दिया गया। अदादारो, जिसे रोने न दिया गया, अरे रोने के लिए हुजरा भी बनाया गया फिर भी उसमें भी जो है आराम न मिला। हाँ अदादारो,
बस आखिरी दो चार फकरे हैं। जिस वक्त जहरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया से गई है, इमाम हसनैन एक मरतबा मस्जिद में गए और जाके कहते हैं, अम्मा ए मौलाए कायनात, फौरन समझ गए, गश खा के ज़मीन पर गिरे। अरे अदादारो, मेरा ये इमाम साबिर इमाम किस तरीके से समझता। अरे पूरा वाकया मौला समझ गए। जब घर पे आए हैं, एक मरतबा तमाम वसीयतें आप जानते हैं, वसीयतों को आपने सुना है, लेकिन एक आखिरी वसीयत जो फातिमा तुज़्ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा ने की थी ना अज़ादारों, वो वसीयत ये थी कि ऐ अली, मैं मुझे जो है रात में गुस्ल दीजिएगा, कफन पहनाइएगा, सिपुर्द लहद कर दीजिएगा। अज़ादारों, मुझे नहीं पता फातिमा ने ये जुमला क्यों कहा, लेकिन उस वक्त अंदाज़ा लग गया। जिस वक्त जो है, अरे रात का वक्त आया, अली ने तख्त लगाया, एक मरतबा फातिमा को गुस्ल देना शुरू किया। अरे जब गुस्ल देते वक्त बाजू पे हाथ पहुंचे, मरतबा सूजा हुआ बाजू देखा, अरे दे गुस्ल देते देते जब पसली पे हाथ पहुंचा, मेरा साबिर इमाम चीख पड़ा, अरे यही वजह है जनाबे जहरा ने कहा था रात में मुझे गुस्ल दीजिएगा। अरे जब रात में अली को बर्दाश्त ना हो सका, अरे दिन के उजाले में अली कैसे देखता। जज़ाकुमुल्लाह। हाँ दादारा ने हमें मसलों में करबला, बद दो चार फकरे और है, ख़त्म हो दुआ है, पुरसा दे लीजिए। हाँ दादारा ने इमाम मसलों, वसीयत फातिमा है, क्यों कहा कि जो है मुझे रात में दफन कीजिएगा। अरे यही वजह थी कि फातिमा चाहती थी मेरे जनाजे में वो शरीक ना हो जिन्होंने मुझे अजियतें दी है, जिन्होंने मुझे सताया है। अरे मेरे गुस्ल मेरे जो है दफन में वो शरीक ना हो जिन्होंने मेरे ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया। हाँ अदादारो, जब जो है हमारे यहाँ भी रिवाज है ना, जब कोई दुनिया से चला जाता है आखिरी दीदार के लिए उस घर वाले को बुलाया जाता है। अली ने एक मरतबा आवाज़ दी, जब गुस्ल हो गया कफन पहना चुके, एक मरतबा आवाज़ दी, ए ज़ैनब उम्मे कुलसूम, आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने माँ का आखिरी दीदार किया। अदादारो, माँ का आखिरी दीदार कर लिया, लेकिन एक मरतबा इमाम हसन को बुलाया, इमाम हसन ने माँ का आखिरी दीदार कर लिया। इमाम हुसैन को बुलाया, अरे जब इमाम हुसैन चले कुछ दूर चले और खड़े हो के कहते हैं, अरे बाबा जिस वक्त उस वक्त मैं आगे बढ़ूंगा जब माँ मुझे खुद पुकारेगी। अदादारो, एक मरतबा इतना कहना था कि बंदे कफन एक मरतबा खुले, आवाज आया, मेरे लाल हुसैन मेरी आगोश में आ जा। अरे वहां माँ ने इंतजार किया, एक मौका और था जब माँ इंतजार कर रही थी। अरे खै कत्लगाह पे एक मरतबा जब हुसैन जीन से जमीन पर आ रहे थे, माँ अपनी आगोश को फैलाए कह रही थी, आ मेरे लाल हुसैन मेरी आगोश में आ जा, आ मेरे बेटे मेरी आगोश में आ जा। वसयालम الذين ظلموا يوم قلبون ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون بدن بقدا परवरदिगार से दुआ, मालिक हमारे इस मकसद से आमाल को कबूल फरमा, ऐ मेरे अल्लाह हाज़रीन की तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमा, ऐ मेरे अल्लाह वास मोहम्मद व आले मोहम्मद का तमाम शियाने अमीरुल मोमिनीन की हिफाजत फरमा, ऐ मेरे अल्लाह मजलिस जो हुई है इमाम ज़माना सलातो सलाम व खुद इमाम हुसैन अबुल फजल अब्बास की बारगाह में अम्मा तहार इंसान की खिदमत में हम सब के पुरसे को कबूल फरमा, ऐ मेरे अल्लाह वास मोहम्मद व आले मोहम्मद का हम सब की रोज़ियों में रोज़ बरो तरक्की इनायत फरमा, ऐ मेरे अल्लाह अदीब भाई तमाम लोगों की रोज़ियों में इजाफा फरमा, जो कोरोना की जद में परवरदिगार उन्हें शिफाए कुल्ली इनायत फरमा, ऐ मेरे अल्लाह जो बे औलाद उनको नेक सालेह औलाद अता फरमा, ऐ मेरे अल्लाह जो मरहूमिन हमारे दरमियान से गुजर चुके उनकी मगफ़िरत फरमा, ऐ मेरे अल्लाह वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद का
जो बेरोज़गार उन्हें रोज़गारी अता फरमा। मालिक हम सब की रोज़ी में रोज़ बरो तरक्की इनायत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, जिन लोगों ने मुझसे दुआ के लिए कहा उनकी दुआओं का मुस्तजाब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, वासे मोहम्मद वाले मोहम्मद का दिल बंदे जहरा अली मुर्तज़ा हज़रत इमाम वली आसर इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ़ के दर में ताजील फरमा। उनके अमान व अंसार में तक शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस सलीम।